क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा शहर भी है जहां रात के समय भी उजाला रहता है? या फिर क्या आपको पता है कि कुत्ते इंसान का सकारात्मक या नकारात्मक व्यवहार को आसानी से पहचान सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी बीमारी भी है जिससे पीड़ित व्यक्ति को फाट से जलने की बदबू आती है? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, आज तक आपने इंसानों को ब्लाइंड डेट पर जाते हुए देखा होगा जिसमें शख्स एक दूसरे को जाने बिना पहली बार मुलाकात करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में ब्लाइंड डेट से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट शुरू किया गया है जिसमें इंसान अपने पार्टनर के साथ नहीं बल्कि किताबों के साथ ब्लाइंड डेट पर जाता है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में बुक स्टोर्स और लाइब्रेरी में ब्लाइंड डेट विद अ बुक नाम के कॉन्सेप्ट को शुरू किया गया है जिसके तहत किताबों को एक सामान्य पेपर से कवर कर दिया जाता है। इसके बाद उस कवर पर किताब से जुड़ा कोई छोटा सा नोट या समरी लिख दी जाती है जिसे पढ़कर पाठक किताब को खरीद सकता है। इस दौरान व्यक्ति को किताब का कवर देखने की इजाजत नहीं होती है, वो सिर्फ किताब के बारे में लिखी हुई 2 से 3 लाइनों को पढ़कर ही उसे खरीदने का फैसला कर सकता है। ऐसे में अगर आप किताब पढ़ने के शौकीन हैं तो इस कॉन्सेप्ट के जरिए किताब के साथ ब्लाइंड डेट पर जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, आमतौर पर जब कोई व्यक्ति फार्ट करता है तो विभिन्न गैसों की वजह से उसमें से अजीब सी बदबू आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी दुर्लभ बीमारी भी है जिससे पीड़ित व्यक्ति के फाट से समान जलने की बदबू आने लगती है? इस बात का खुलासा तब हुआ था जब 7 दिसंबर 2006 को अमेरिका के वॉशिंगटन से डेलस जा रही फ्लाइट को अचानक से नैशविल शहर में इमरजेंसी लैंड करवाना पड़ा था। दरअसल उस फ्लाइट में अचानक से जलने की बदबू आने लगी थी जो देखते ही देखते कई गुना बढ़ गई थी। ऐसे में फ्लाइट के पायलट को लगा कि प्लेन के इंजन में आग लग गई है, लिहाजा उन्होंने प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी। लेकिन जब प्लेन के इंजन और अन्य पार्ट्स की जांच की गई तो वो बिल्कुल ठीक थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्लेन में जलने की बदबू क्यों आ रही थी। लेकिन बाद में जांच के दौरान पता चला कि उस प्लेन में एक महिला सफर कर रही थी जो अजीबोगरीब बीमारी से पीड़ित थी। वो महिला जब भी फाट करती थी तो उसमें सामान के जलने की बदबू आती थी। ये बीमारी इतनी दुर्लभ है कि इसका इलाज अब तक खोजा नहीं गया है, जबकि इससे पीड़ित लोगों की संख्या भी दुनिया में काफी कम है। फैक्ट नंबर 3, आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि तुमको रत्ती भर भी शर्म नहीं आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये रत्ती शब्द कहाँ से लिया गया है और इसका क्या मतलब है? दरअसल रत्ती शब्द को संस्कृत भाषा से लिया गया है जो प्राचीन काल में एक पौधा होता था। रत्ती के पौधे पर बहुत ही छोटे छोटे बीज यानी फल आते थे जिनका वजन ना के आकार होता था। ऐसे में उस वक्त किसी भी कम वजनदार चीज का उल्लेख करने के लिए रत्ती शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा जिसे आज के आधुनिक समय में भी यूज किया जाता है। वर्तमान में रत्ती का पौधा या उसके फलों को देख पाना बहुत ही दुर्लभ माना जाता है, लेकिन ये शब्द हम सभी के जीवन में बहुत ही अहम बन गया है। तो अगर अगली बार कोई आपको रत्ती भर शब्द का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे तो अब आप उसके पीछे का इतिहास अच्छी तरह से जानते हैं। फैक्ट नंबर 4, इस दुनिया में कई लोगों को दुख या समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। लेकिन अगर आप डेनमार्क में रहते हैं तो वहां आपको दुखी रहने की इजाजत नहीं है। दरअसल इस देश में लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने और उन्हें दुख से बाहर निकालने के लिए एक अनोखी शुरुआत की गई है जिसके तहत शहर की विभिन्न दुकानों और स्टोर्स के बाहर एक टीवी स्क्रीन लगाई गई है। इन स्क्रीन पर एक मायूस चेहरा दिखाई देता है जिसके सामने स्माइल करने पर स्टोर का दरवाजा खुलता है। अगर आप किसी बात से दुखी हैं तो मायूस चेहरा लेकर डेनमार्क के स्टोर्स और दुकानों में एंट्री नहीं ले सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले टीवी स्क्रीन को देखकर बड़ी सी स्माइल करनी होगी जिसके बाद आपके लिए स्टोर के दरवाजे खुल जाएंगे। डेनमार्क में ये चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है जिसकी वजह से वहाँ रहने वाले दुखी और परेशान लोग खुद को चिल करने के लिए स्टोर्स में जाकर खुलकर हंसते हैं और अपनी टेंशन को भूल जाते हैं। इससे ये सबक मिलता है कि आपकी लाइफ में चाहे कितनी ही परेशानियां क्यों ना हो, सिर्फ एक स्माइल करने से सब कुछ ठीक हो सकता है। फैक्ट नंबर 5, समुद्र की गहराइयों में बहुत ही खूबसूरत और चमकदार जेली फिश रहती हैं, जिन्हें देखना अपने आप में बहुत ही आकर्षक लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खूबसूरत सी दिखने वाली जेली फिश मरने के बावजूद भी इंसान को डंक मार सकती है जिससे इंसान की मौत भी हो सकती है। दरअसल जेली फिश के शरीर में छोटे छोटे डंक होते हैं जिन्हें वो अपनी सुरक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करती है। जब किसी जेली फिश की मौत हो जाती है तो उसके शरीर में डंक और सेल्स कई दिनों तक जिंदा रहते हैं। जब कोई इंसान मरी हुई जेली फिश को टच करता है या फिर उसकी त्वचा को रगड़ता है तो उस स्थिति में उसके शरीर के अंदर डंक एकदम से बाहर निकल आते हैं और वो इंसान की त्वचा में चुभ कर उसके शरीर में जहर इंजेक्ट कर देता है। ऐसे में अगर आप समुद्र में तैराकी का आनंद उठा रहे हैं तो मरी हुई जेली फिश को छूने या फिर उसे अपने हाथ में पकड़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि जेली फिश का डंक लगने पर बुखार, उल्टी और घबराहट होने लगती है, जबकि कई मामलों में त्वचा रोग संबंधी बीमारियां भी हो जाती हैं जिसकी वजह से इंसान को जीवन भर दर्द झेलना पड़ता है। फैक्ट नंबर 6, ये तो हम सभी जानते हैं कि अंतरिक्ष यात्रियों का स्पेस सूट और हेलमेट
बहुत ही महंगा होता है, जिसे लाखों रुपए खर्च करके तैयार किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष यात्रियों के हेलमेट के अंदर बहुत ही सस्ता सा वेलक्रो लगाया जाता है, जो धरती से दूर स्पेस में उनके लिए बहुत ही सहायक साबित होता है। दरअसल स्पेस सूट और हेलमेट पहनने के बाद अंतरिक्ष यात्री कभी कभी स्पेस क्राफ्ट से बाहर निकलकर तकनीकी से जुड़ा काम करते हैं। इस दौरान अगर उनकी नाक में खुजली लग जाए या फिर उन्हें सर्दी जुकाम हो, तो उस स्थिति में वो अपना हेलमेट निकालकर खुजली नहीं कर सकते हैं। ऐसे में अंतरिक्ष यात्रियों की सुविधा के लिए उनके हेलमेट के अंदर वेलक्रो लगाया जाता है, जिसकी मदद से वो अपनी नाक को वेलक्रो में रगड़कर खुजली कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर उन्हें जरूरत पड़े तो वो सर्दी जुकाम की स्थिति में वेलक्रो में रुई लगा सकते हैं। ऐसा करने से अंतरिक्ष यात्री की नाक से बह रहा पानी रुई की मदद से साफ हो जाता है, जबकि वेलक्रो की मदद से वो अपनी नाक के आसपास खुजली करके खुद को राहत पहुंचा सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, आज के समय में बाजार में कई तरह के एडवांस और स्मार्ट मोबाइल फोन्स हैं, जिन्हें बनाते वक्त कई तरह की टेस्टिंग की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सैमसंग एक ऐसी कंपनी है जो मोबाइल फोन्स को बनाते वक्त बट फोन प्रेसिंग टेस्ट करती है। इस दौरान मोबाइल फोन की स्क्रीन पर 10 से 100 किलोग्राम का भार डाला जाता है, ताकि उसकी क्वालिटी को चेक किया जा सके। इस टेस्टिंग के दौरान बम का एक पुतला बनाया जाता है और उसे बार बार फोन की स्क्रीन पर बैठाया जाता है, जिससे स्क्रीन की मजबूती का पता लगाया जाता है। यही वजह है कि सैमसंग कंपनी के मोबाइल की स्क्रीन किसी इंसान के बैठने पर भी आसानी से टूटती या क्रैक नहीं होती है, क्योंकि उन्हें मार्केट में उतारने से पहले कई तरह की टेस्टिंग से होकर गुजारा जाता है। फैक्ट नंबर 8, किसी भी फैशन शो की जान खूबसूरत मॉडल्स होती हैं, जो अपने रैंप वॉक से न सिर्फ ड्रेस का प्रचार करती हैं, बल्कि लाखों लोगों को अपना दीवाना भी बना लेती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 2018 में सऊदी अरब में एक अनोखे फैशन शो का आयोजन किया गया था, जिसमें रैंप पर मॉडल्स नहीं बल्कि उड़ते हुए ड्रोन दिखाई दे रहे थे। दरअसल सऊदी अरब में ड्रोन फैशन शो का आयोजन किया गया था, जिसमें ड्रेस को हैंगर में लटकाकर ड्रोन से जोड़ दिया गया था। ऐसे में वो ड्रोन रैंप के ऊपर उड़ते हुए ड्रेस के अंदर निश्चित मात्रा में हवा का प्रेशर डालते थे, जिससे ड्रेस को एक इंसान की शारीरिक आकृति मिल जाती थी। इस रैंप वॉक के दौरान ऐसा लग रहा था कि मानो ड्रेस को किसी अदृश्य आदमी ने पहन लिया है, जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। इस ड्रोन फैशन शो को दुनिया का सबसे यूनिक फैशन शो माना जाता है, जिसमें रैंप पर वॉक करने के लिए मॉडल्स को ही हायर नहीं किया गया था। फैक्ट नंबर 9, इस दुनिया में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग रहते हैं, जो अपने व्यवहार या आदतों से दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक ऐसा जीव है जो इंसान के अंदर सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों को पहचान सकता है। दरअसल साल 2013 में हुए एक रिसर्च से पता चलता है कि जब कुत्ता किसी इंसान के करीब जाता है, तो वो उसकी सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा को आसानी से पहचान सकता है। अगर कुत्ता किसी सकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्ति के पास जाता है, तो वो अपनी पूंछ को बार बार हिलाते हुए राइट की तरफ झुकाता है। वहीं जब कोई कुत्ता किसी नकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्ति के संपर्क में आता है, तो वो अपनी पूंछ को लेफ्ट साइड में ज्यादा देर तक झुकाता रहता है। ऐसे में अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है और आपके पास पालतू कुत्ता है, तो आप उसकी पूंछ की मदद से ये पता लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा वाला है या फिर नकारात्मक ऊर्जा से भरपूर है। फैक्ट नंबर 10, आमतौर पर जब सूरज ढलता है और रात होती है, तो सड़कों और घरों में उजाले के लिए लाइट्स जला दी जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां रात अंधेरी नहीं बल्कि उजाले भरी होती है? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। रूस में सेंट पीटर्सबर्ग नाम के शहर में होने वाली रातों को व्हाइट नाइट के नाम से जाना जाता है। दरअसल इस शहर में मई और जून के महीने में अंधेरा होता ही नहीं है, जिसकी वजह से यहां रात के समय भी बेहद उजाला रहता है और लोगों को अपने घरों या सड़कों पर उजाले के लिए लाइट्स जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये शहर आर्कटिक सर्किल के बेहद करीब है, जिसकी वजह से यहां सूरज की रोशनी अन्य देशों या शहरों के मुकाबले ज्यादा समय तक रहती है। इस शहर के लोगों को रात के 8 बजे भी सूरज की रोशनी का एहसास होता रहता है, जबकि उन्हें उजाले में ही सोने की आदत डालनी पड़ती है। इस शहर में गुड नाइट और डिनर का टाइम देखकर आपको ऐसा लगेगा कि आप भरी दोपहर में सोने या खाने जा रहे हैं, लेकिन असल में वहां रात हो रही होती है। यही वजह है कि मई और जून के महीने में पर्यटक रूस के इस अनोखे शहर में घूमने के लिए जाते हैं, जहां रात बिल्कुल अलग और अनोखी दिखाई देती है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।